एम्स स्थापना के प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि गोरखपुर में एम्स निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कूड़ाघाट स्थित गन्ना शोध केंद्र की संपूर्ण भूमि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को स्थानांतरित की जा चुकी है। डीएम ने शोध केंद्र में भूमि पर स्थापित सभी भवनों को ध्वस्तीकरण करने के लिए अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड को निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग ध्वस्तीकरण करके और स्क्रैप निस्तारण का कार्य 15 दिनों के अंदर पूरा करा ले। उल्लेखनीय है कि इसकी भूमि पर गन्ना विभाग का गन्ना शोध केंद्र, गन्ना प्रशिक्षण केंद्र सहित कुल 11 भवन हैं, जिसमें लगभग 50 कमरे, 2 हॉल और 1 प्रशासनिक भवन भी है। इसमें कृषि विभाग का कृषि रक्षा इकाई, मृदा प्रशिक्षण, बीज भंडार एवं मृदा सर्वेक्षण कार्यालय भी है। ये सभी भवन खाली हो गए हैं। गन्ना शोध केंद्र पिपराइच में जीएस आवास में शिफ्ट होना है, जबकि जीएम आवास पिपराइच चीनी मिल के कुछ कमरों में ताला बंद होने के कारण पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर राहुल पांडे को यह जिम्मेदारी सौंपी है। 7 अप्रैल तक शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश को निर्देश दिया है कि वे विभागीय समन्वयक बनाकर एम्स की स्थापना में तेजी लाएं। दो बड़ा हाल है इसका, है ये ना हुआ कि डेमोलिश क्यों नहीं हुआ सर? वो डेमोलिश, वो संस्थान की बिल्डिंग है सर। किसका? गन्ना किसान संस्थान की बिल्डिंग। गन्ना कार्यालय ऐसा नहीं, बिल्डिंग वो जो था गन्ना किसान संस्थान। संस्थान कहाँ है? इसके लिए सर पड़ोसन के विषय में आप ना, मैं डेमोलिश करने वाला हूँ, आप पत्रचार करते रहो, आज से तोड़ना शुरू कर देता हूँ। मेरा बहुत आपसे नहीं बचा, तोड़ दूंगा तो बाकी तुम करते रहो, उस पर जो नुकसान होता तो तुम्हें झेलना होता, तुम्हें कितने अवसर देना तो दे चुका हूँ, आगे आपको पत्रचार के लिए मेरे पास समय नहीं मिलता। तुम्हारा पत्रचार किसके पास पेंडिंग है? डायरेक्टर साहब के पास? नहीं, सचिव गन्ना विकास रेड्डी साहब के पास। कब गई है तुम्हारी चिट्ठी? हम तो सर अपने निदेशक को लिखा, निदेशक से बात कर रहा हूँ, राहुल सचिव से बात करना कि निदेशक से बात कर रहा हूँ। आप ही सबसे ज्यादा गन्ना कई जगह चल रहा है, तो वो है ना राकेश मिश्रा है वो मेरा वीडियो रहा, सीडियो रहा, राकेश से बात कर लेता हूँ। चीनी आयुक्त वही है ना? जी सर। दोनों आपके ही है? नहीं, आपकी टोटल बिल्डिंग कितने डेमोलिश होना है? एक डबल स्टोरी 18 कमरा है, दो बड़ा हॉल, एक मंजिल का 7 कमरा, एक लाइब्रेरी, एक प्रशिक्षण केंद्र, कितने होना है? गन्ना प्रशिक्षण संस्थान में बस इतने ही दिया हुआ है, जैसे उसे कहा एक मंजिल का 7 कमरे हैं, एक लाइब्रेरी, एक प्रशिक्षण कक्ष, इसके अलावा भी है कुछ सर? क्या है? एक मंजिल होने वाली में तो छात्रावास, 2 मंजिल मंजिले का 40 कमरा, एक बड़ा हॉल, गन्ना किसान था जब 11 टाइप की बिल्डिंग है। आपके
मेरा ये डिटेल एसडीएम साहब का डिटेल नहीं आते हैं, उसका इसका अंतर है सर, अभी डिटेल दिया है। बस इतने ही डबल होना है, पार्ट बी वाले पार्ट बी और पार्ट सी भी हो सकता है। गन्ना सूख केंद्र अलग भी होगा उसके लिए। गन्ना सूख केंद्र के कौन है आपके, क्या हुआ सर? राज्य चीनी निगम ना केवल सामान शिफ्ट करने के बाद आप तोड़ देंगे सर? तोड़ने के लिए तो निदेशक महोदय से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका निदेशक कौन है? तो जमीन के छोड़ के भवन तो क्लियर हो गया आपका सर? भवन में ही अभी राज्य चीनी निगम के प्राइस की जो यूनिट है उन्होंने कमरा नहीं खोला। अरे कमरा हम खुलवा देंगे, राजी बुलवा देंगे, तुम्हारा ताला तोड़ के हम बुलवा देंगे। मेरा बस आपसे तमाशा करके रहोगे तो थोड़ी सब कमरे खुल जाएंगे तो हम दो दिन में वहाँ शिफ्टिंग शिफ्ट करेंगे। कब तोड़ोगे कब उसका शिफ्टिंग? तो ठीक है मैं मान लो तुम्हारा दो दिन में हो जाएगा, कब तोड़ोगे उसका? सर मेडिकल शिक्षक सर रजनी रूपये साहब से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा सर सर अच्छा सर अच्छा सर सर आपके आपके साइड से फिर कोई आपत्ति नहीं सर? मैं उनसे जुर्माना फिर कर दूँ सर। सर दैट्स फाइन सर। सर बंदा आपस में सर इसमें सर एक्चुअली सर वो जीएम सर 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 ठीक है सर। सर मैं तो फिर मैं डेमोलिशन शुरू कर देता हूँ। जमीन उसके बाद आपको कोई राइट्स रहने गया है, भवन सहित गया है, मैं तो तुम्हारा शुरू कर देता हूँ। मेरा मतलब आपसे जो सामान तुम लेके जाना तो जाओ, उससे गया तो गया, ताकि वो भूलिया तो तुम्हारा सामान के साथ सामान बचाना तो आप जाके बचाओ। दो दिन वहाँ सर अगर जाके कौन लोग कहाँ है, कौन नहीं बुलवा रहा तुम्हारा? वही सर राज्य चीनी निगम के कॉर्पोरेशन वाले। हाँ अब इसके किसी नए तो सर तेजला को भेज दो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, जो तोड़ के ताला तोड़ के मंत्री बना लो, मंत्री बना करके रख लो, उनके कब्जा दे दो। आज अभी तो एसडीएम साहब देंगे, तुम जाकर के खाली करो, कल से करवाइए कब कर दो। ये आपको बहुत अधिक हाई लिफ्ट होने के कारण दो बार टेंडर निकाला गया और कोई टेंडर आया नहीं, तो दोबारा मुख्यालय को लिखा गया है। इसमें सर उनका का उमर जो मुख्यालय में पड़ा है प्रमुख सचिव के पास है। अपने मर्जी से खोल देंगे तो ठीक है, पर जिंदा पकड़ा नहीं है।